देश में लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि देश में लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले संभावित कदमों की जानकारी देते हुए 10 दिन के भीतर हलफनामा दायर करें, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने यह आदेश कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में 27 अप्रैल 2017 को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।